जिला के भरनो थाना क्षेत्र स्थित पारस नदी में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा पुल निर्माण कार्य स्थल पर बीती रात अज्ञात अपराधियों ने धावा बोलकर 14 मजदूरों से मोबाइल छीन लिया। इसके साथ ही ये धमकी भी दी है, जब तक उन लोगों से ठेकेदार की बात नहीं हो जाती है तब तक किसी भी परिस्थिति में काम शुरू नहीं करना है। मामले की जानकारी देते हुए मजदूरों ने बताया कि रात में सभी खाना खाकर सो रहे थे, उस समय करीब 7 से 8 लोग हथियार से लैस होकर पहुंचे और हम सबों का मोबाइल छीन लिया। इसके साथ ही अपराधियों ने धमकी दी और कहा कि काम शुरू नहीं करना है। वहीं इस मामले पर भरनो पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस इस संबंध में मीडिया को कुछ भी नहीं बता रही है। ये भरनो थाना अंतर्गत पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सुबह थाना प्रभारी ने बताया कि रात्रि में कुछ अपराधकर्मी आए थे, जिसमें बताया गया कि हथियार भी थे एक दो के पास और कम से कम 6-7 लोग थे जिन्होंने भय दिखाया हथियार का, और जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनके साथ मोबाइल छीन लिया और उनको कुछ धक्का मुक्की भी किया गया। तो इस संदर्भ में हमने तुरंत SDPO को वहां PO पे भेजा, थाना प्रभारी को भेजा और वहाँ पे विस्तृत जानकारी लिया। उन्होंने जिनका काम चल रहा है वो भी गुमला से आ ही रहे वहाँ पहुँचे और जिनको देख के हमने उसमें त्वरित कार्रवाई के लिए आगे कार्रवाई कर रहे हैं। शीघ्र ही उनकी पहचान हो जाएगी और उनको अरेस्ट करके जेल भेज देंगे। कैसे घटना हो लगा? यहाँ पुल में क्या काम करता है? तो काम पाइपिंग का काम करता है। ठीक है, कैसे घटना हुआ? घटना वही 12 बजे करीब आया और मोबाइल छीन के ले गया, धमकी दे के गया कि काम बंद करना नहीं तो मार देंगे इसे। कौन पार्टी का था, कुछ था ऐसे कुछ बताया वो लोग? इसे तो हमको याद नहीं है। कुछ बोला कि हम किसी संगठन से हैं कुछ ऐसा कुछ करके वो लोग? नहीं नहीं सुने हम। कितना संख्या में था वो लोग, क्या बताओ? 6-7 हथियार उतार भी रखा था? हाँ हथियार। मेरा नाम परवीन कुजर है, हम सुनने का तरफ से आए थे। मेरा मालिक सब है ये, मेरा चाचा सब ये लोग बोला उस समय आए, फिर यहाँ काम करने के लिए आए थे लोग गाँव में। फिर सुबह शाम में तो खाना वाना खा के सोए थे हम, उसके बाद धीरे धीरे हम तो फिल्म उलिम भी देखे, फिर फोन चार्ज करने जाएंगे बोले थे कि नहीं सबके जाने, फिर सो दिए उसी दिन। फिर आया 12 बजे आसपास, नहीं बजे हो 11 बजे आसपास तो हम सोबो नहीं किए थे, तो लोग हम सोए थे। फिर वो मेरा भाई था, उसका फ़ोन को मुर्शिदाबाद के ऊपर था तो उठा लिया उसका, और मेरा तो अंदर घुस गया था कमल के अंदर। फिर हमको बोला कि भाई मोबाइल दो बोलते, तो हम देखे उठ के तो पूरा मेरा काने जगह पिस्तौल बंदूक बड़ा वाला वही पकड़ के रखा था, फिर हम दे दिया डर दिए। बताओ और मतलब कि हमें काम करके दूसरी ही 12 बजे राइट के आना है, उसके बाद में मोबाइल लॉक हमें मोबाइल के छीन के के मना ले मन तो पार्टी वाला है कौन पार्टी नाम नहीं बता ले क्या कर लेते बताओ। हमारे मजदूरी तो हमें यही काम फाइलिंग कर काम करा थी, तो हमें खा पी के काम करके जल्दी सुत रही सुत रही, उसके बाद में आला है कि उठो 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 अच्छा, उसके बाद में मोबाइल लाओ मोबाइल दो ऐसे बोले, तो मोबाइल हम लोग देते हैं मोबाइल दे दिए, उसके बाद में जब तक हम लोग का मोबाइल नहीं वापस नहीं करेंगे तब तक काम बंद करना ऐसे बोले थे। क्या नाम है करो, क्या नाम है? नाम है के जोहान लिंग, हमें राइट खन सुच रही खाए पी के और 12 बजे आलाएँ और मोबाइल मन के छीन के ले गए, जब तक मोबाइल वापस नहीं होते तब तक काम बंद रखवा के। क्या काम चला था यहाँ? फाइलिंग का। फाइलिंग का नहीं, निर्माण कार्य करवाते हैं। निर्माण ही पुल बना थे कि रोड बना थे? पुल बना थे जेकर ढलाई मन होते। कौन गांव में होते काम? गांव महबूब। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।